फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में पता करेंगे कोई भी एक मोल की, कोई भी एक डाई की, उसकी हम मटेरियल कैसे पता कर सकते हैं कौन सा मटेरियल है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मैं कैसे निकालूंगा कौन सा मटेरियल है, इसकी एचआरसी कितना है, कैसे आपको पता लगेंगे। कुछ कुछ पैरामीटर्स होती है जो हम पैरामीटर को हम लेके उस मटेरियल को पता करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है कि इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगे। मैं आपको इसमें रफली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हम जितना भी मेटेरियल है, इस मेटेरियल का हार्डनेस हम पता करेंगे। मेटेरियल का हार्डनेस हम कैसे पता लगेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं अलग से एक शार्ट दे रखा हूँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी मेटेरियल का कितना एचआरसी है, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कलर कोड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गन मशीन से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हार्डनेस कैसे करेंगे, मेजरिंग करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैच हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, ग्राइंडिंग से कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में जो होती है हम मशीनिंग से भी पता कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, और जो मेटेरियल होती है उसका प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखना है क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे आपको टिप्स दूंगा ना, एक्सपीरियंस टिप्स दूंगा, वो आपको जिंदगी भर काम आएंगे। तो इस वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे, बहुत कुछ चीजें आपको मिस कर देंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे टिप देने वाला हूँ जो आपको सारा चीजें पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले मेटेरियल को आइडेंटिफाई करने से पहले मेटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी मेटेरियल है, इसमें कॉम्पोजिशन कौन सा है, फेरस है कि नॉन फेरस मेटेरियल है, ठीक है। उसमें कॉपर कितना है, उसमें आपका मैग्नीशियम कितने है, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, तो सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, कहाँ पे अगर कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इस केस में मेटेरियल में क्या आता है, कहीं भी क्रोम की क्वांटिटी ज्यादा होता है तो उस केस में मेटेरियल में क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मेटेरियल की हार्डनेस क्या है, ठीक है। अगर मैं हार्डनेस की बात करता हूँ, सबसे पहले आपको हार्डनेस बहुत जरूरी है। जब तक आप हार्डनेस नहीं समझोगे तब तक आप मेटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हार्डनेस इज ए मेटेरियल डिफाइनेस एबिलिटी टू विदस्टैंड द लोकलाइज परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब एबिलिटी टू विदस्टैंड द लोकलाइज डिफॉर्मेशन। कोई भी एक एबिलिटी होती है जिसको क्या होता है, डिफॉर्मेशन को विदस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बात करें, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस से हम इसको हार्डनेस को देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस होती है जो मेटल की रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होती है, कौन से एक्शन से होती है, कटिंग से होती है, एब्रेशन होती है, पेनिट्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग होती है, ये सारे तरीके से उसकी आप हार्डनेस निकाल सकते हो। जैसे अगर हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं ना, पेनिट्रेशन को हम निकालने के लिए हार्डनेस टेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका रोकल हार्डनेस टेस्ट, एक होता है विकर हार्डनेस टेस्ट, एक होता है आपका मिनरल हार्डनेस टेस्ट, इसका भी अलग अलग बोलते हैं। जो आपका ये हार्डनेस होता है इसको हम एचबी से बोलते हैं, इसको हम एचबी से डिनोट करते हैं। तो जो इसका हार्डनेस वैल्यू आता है, उस वैल्यूज के आपको जो भी होता है, जहां आप मशीन देख पाओगे, ये आपका बेसिकली हार्डनेस मशीन होती है। तो यहाँ पे जो भी आप मेटल की हार्डनेस टेस्ट करते हो, यहाँ पे आप रखोगे उसको, फिर क्लैम करोगे, ठीक है। तो क्लैम करने के बाद इसको टाइट करके यहाँ पे जो नीडल होंगे, वो नीडल जो है मेटल में पेनिट्रेट करेंगे। जैसे मेटल में पेनिट्रेट करेंगे, यहाँ पे कितना नंबर आप एचआरसी है यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सबसे ईजी है और सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हर एक कंपनी में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से आप हार्डनेस देख सकते हो। लेकिन इस हार्डनेस से जाने से पहले आपको मैं एक जो मेटेरियल हम बेसिकली यूज करते हैं, यहाँ पे मैं टूलेन डाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शीट मेटल की बात कर रहा हूँ, तो हर एक मेटल के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे जैसे हम शार्ट पे आते हैं, शार्ट में आओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा मेटेरियल जो है कितना रिकमेंडेड एचआरसी होना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे ओबर सुप्रीम का बात कर रहा हूँ, ओबर सुप्रीम जो है आपको 42 से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सुप्रीम क्वालिटी का बात कर रहा हूँ, इम्प्रूव क्वालिटी का बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टारबेक्स का बात करता हूँ, स्टारबेक्स होता है ईएसआर, स्टारबेक्स ईएसआर बोले तो टॉपेस्ट क्वालिटी है। कभी कभी जैसे आप मेटल देखते हो ना, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, बहुत सारा ग्रेनुल्स होता है अंदर, है ना, ग्रेनुल्स के अंदर बहुत सारा डॉटेड होता है, मतलब एयर वॉइस जैसा मिल जाती है, और जब मशीनिंग करते हो, पॉलिशिंग करते हो, तो ये बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। जो ये ईएसआर क्वालिटी होता है, ये जो इम्प्रूव क्वालिटी होता है ना, इसके अंदर वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और इसकी रेट भी थोड़ा हाई है, ठीक है, इसकी रेट भी थोड़ा सा हाई है। तो ये जो स्टारबेक्स है, इम्पैक्ट सुप्रीम है, ये मेटल जो है ये रिकमेंडेड एचआरसी है, मतलब इतना आपको हार्डनिंग करके ले जाना पड़ेगा। कुछ कुछ आपका प्री हार्डनिंग आता है और कुछ कुछ आपको हार्डनिंग करके ले जाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं C45, ठीक है। C45 का जो ग्रेड आती है उसका हम लेते हैं 20 से 24 का एचआरसी लेते हैं, ठीक है। जो ओवर सुप्रीम आता है, ओवर सुप्रीम आप लोग को नॉर्मल जो रेंज होता है 42 से मिल जाती है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके ले जाते हैं इसको 48 से 50 ले जाते हैं। फिर आते हैं हम DSA H13 कहाँ पे यूज करते हैं, 48-50 बात करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है DAC55, ये इम्प्रूव होता है और ये मतलब टॉपेस्ट क्वालिटी होता है, ये आपका 54 to 56 एचआरसी का आता है। SDS आपका आता है 46 to 48 एचआरसी का आता है। YXM1 आता है 62 to 62। ये जो YXM1 होते हैं ना, ये बेसिकली जो इजेक्टर पिन वगैरह होते हैं वहां पे यूज करते हैं,
और ये जितना भी आप देख पा रहे हो जो मेटल है जो 48 के आसपास आ रहा है, ये डाई कास्टिंग में हम ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको डाई कास्टिंग का भी बताऊंगा, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड का भी बताऊंगा, और जो है आपको मैं शीट मेटल का डाई का बताऊंगा। कल आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको पूछेंगे कि डाई कास्टिंग में हम कौन से मेटल यूज करते हैं और एचआरसी कितना होता है, तो आप यहाँ से सिंपली बात कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से लेके आपका 6 नंबर तक है, ये बेसिकली जो है डाई कास्टिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग जो है हम शीट मेटल डाई में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सा मेटल के रिप्लेसमेंट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं स्टारबेक्स में। स्टारबेक्स ये सर होता है, ये बेसिकली जो पॉलीकार्बोनेट मेटल होती है, प्लास्टिक जो बनाते हैं वो पॉलीकार्बोनेट मेटल होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टारबेक्स मेटल लगाते हैं। स्टारबेक्स ये सर होता है, ये सबसे हाई क्वालिटी का होता है, सबसे हाई क्वालिटी मतलब स्टारबेक्स के टॉपेस्ट क्वालिटी में आता है। कि जो एचआरसी होती है 52 से लेके 54 तक हम ले जाते हैं हार्डनेस करने के बाद। हम कौन सी हार्डनिंग करते हैं, उसको हम फिकुअम हार्डनिंग करते हैं। फिकुअम हार्डनिंग करने के बाद इसकी जो कलर होता है ना, तो थोड़ा सा ना ऑरेंज कलर में आ जाता है, थोड़ा सा मतलब कलर चेंज हो जाता है तो हार्डनिंग करने के बाद। हार्डनिंग करने से पहले क्या करते हैं, जब भी आपको मशीनिंग होता है, हम मशीनिंग में 0.2 या 0.15 स्टॉक छोड़ देते हैं, जहाँ पे ड्रिलिंग बिलिंग करना होता है वहाँ हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। टिपिंग में भी हम पहले कर लेते हैं, हार्डनिंग के बाद टिपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू आपको करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है आपका इम्पैक्ट सुप्रीम होता है, ये भी आपका P20 का ऑल्टरनेटिव मेटल मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे P20 आते हैं, सबसे ज्यादा लोकल इंडस्ट्री में यूज होता है P20, ठीक है। 28 से 32 तक लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलेंगे कोई तो सर इसमें तो मेरे को 24 का भी मिल रहा है, लेकिन ये क्या रिकमेंडेड क्वांटिटी है, यहाँ पे रिकमेंडेड एचआरसी है, इतना होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी अगर मैं मोल बना के देता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे बूम वगैरह देना पड़ता है तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको इतना तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं रेमेक्स एस आता है, ये भी थोड़ा हाई रेट में आता है, ठीक है। ये 50 से लेके 52 एचआरसी का आता है। फिर आपका आता है EN31 में होता क्या बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, स्टारबेक्स, इम्पैक्स, सुप्रीम, P20, रेमेक्स, ये बेसिकली कोर के भीती के लिए यूज होता है, कोर के भीती इंसर्ट के लिए यूज करते हैं। और जो आपका EN31 होता है, EN31 को हम क्या करते हैं, जैसे आपका गाइड पिलर हो गई, ठीक है, गाइड बूश हो गया, उसके बाद इजेक्टर पिलर हो गया, ये जो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके लिए हम EN31 यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी हम हार्ड कर सकते हैं, अगर आपको इसमें भी हार्ड करना होता है ना, जैसे हम पिलर सेट वगैरह यूज करते हैं, तो इसमें भी हम हार्ड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 22 से लेकर 24 एचआरसी का हम यूज करते हैं। फिर हम आते हैं शीट मेटल पे। तो शीट मेटल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेटल है, आपको यहाँ पता है D2 का है, D3 है, HCHCR का है, MS का है, निमेक्स जो है इसको हम यूज करते हैं प्लास्टिक में, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 750 रुपये किलो आता है निमेक्स जो है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम EN31 ये भी हम यूज करते हैं शीट मेटल डाई में, हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। D2 जो है 55 से लेके 62 तक होता है। D3 जो होता है इससे भी इम्प्रूव होता है, D2 से और इससे भी इम्प्रूव होता है, 58 से लेके 64 इसको हम ले जाते हैं। ऐसा नहीं आपको इसको ना कम में मिलेंगे, इसको हम रिकमेंडेड है, इसको हम इतने में ले जाते हैं। जो भी हम इसको टूल चलाते हैं, जो भी आप पान से जो भी डाई होता है इसको हम ले जाते हैं। अब पहली वाली मेरा वीडियो नहीं देखा, वहां पे मैंने ये क्वेश्चंस पूछा था, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आप शीट मेटल की पंच बना रहे हो या डाई बना रहे हो तो इसकी कितना एचआरसी होना चाहिए, ये क्वेश्चंस वहां पे देख लेना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड दे रखा हूँ ना, ये इनमें से ही क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे D2 कितना होना चाहिए, 55 से लेके 62 होना चाहिए, D3 आपका 58 से लेके 64 तक होना चाहिए, HCHCR कितना होना चाहिए 55 से लेके 60 तक होता है, 62 तक भी वही ले जाता है। MS जो होता है 18 से 22 तक होता है, कभी थोड़ा कम ज्यादा आपको मिल जाएंगे मार्केट में, क्वालिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लो, ठीक है। ये बहुत काम आएंगे, आप कभी भी जाओगे, कभी भी चीजें बनाओगे, इतना आपको रिकमेंडेड लेके चलना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो यहाँ पे आपको HRC के बारे में पता लग गया, कौन सा प्लेट कहाँ पे यूज करना है उसके बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग गया कि हार्डनेस क्या होता है, तो इसमें हम सारा चीजें समझ गया है। अब आपको समझना ये है कि मेरा जो मेटेरियल है इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा मैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, हार्डनेस चाहिए। मेरे को इतना पता है कि मैं जो यहाँ पे आपको इतना पता लग जाएगा, मैं अगर P20 यूज करता हूँ, मैं P20 को 28 से लेकर 32 तक ले जाना है, 28 से लेकर 32 का यूज करता हूँ, मैंने मेटेरियल मंगवा लिया 5 से, सब मिक्स हो गया। अब मुझे ये पता करना है कौन सा P20 है, कौन सा इम्पैक्ट सुप्रीम है, कौन सा EN31 है। अब मुझे पता कैसे चलेगा, उसके हार्डनेस से ऊपर, उसके हार्डनेस और उसका जो कंपोजिशन है, जो मेटल में कंपोजिशन बोले तो कहाँ पे कॉपर कितना है, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, ये कंपोजिशन देख के मुझे पता लग जाएगा। वैसे तो मैं देख के तो नहीं बता सकते,
के बता सकते हो आप मार्केट में अगर 16-18 साल काम कर लिए तो मेटेरियल को देख के बता सकते हो। मेरा तो ऐसे कलिस्ट है जो प्लास्टिक का जो होता है ना पीपी पीसी के पीएस होता है वो ऐसे मुंह में लेता है, लेके ऐसे सब आता है, सब आके उसको पता लग जाता है ये मेटेरियल है, जिसके बहुत साल उसको 16-18 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो उस बिहाफ में वो बोल सकता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में 5-6 साल हो, आपको नया हो, तो उस केस में आपको कैसे पता लगाओगे? पता ऐसे लगाओगे ना जो उसके एचआरसी वैल्यू से, तो एचआरसी वैल्यू कैसे पता करोगे आप? इसको पता करने के लिए आपके पास 4-5 प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट जो होता है मोस्ट ऑफ द केस रोकल हार्डनेस से हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक आपकी जो मान लो कोई भी मेटेरियल है उसका हम छोटा सा एक बना लेते हैं टुकड़ा, एक स्क्वायर टुकड़ा बना लेते हैं या रेक्टेंगुलर एक टुकड़ा लेते हैं, उसको हम वहां पे लेके पेनिट्रेट करके देखते हैं कितना इसका एचआरसी है। अगर मान लो मेरे पास एचआरसी आ रहा है 28 से लेकर 30 आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा ये P20 है या इम्पेक्ट सुप्रीम में आएगा। तो इस तरीके से आप उसको पता लगाओगे हार्डनेस में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कलर कोडिंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको ये सारा चीजें नहीं मिलेंगे, इतना भी मैंने देखा है, मैं अपना खुद की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा कलर कोडिंग है, जैसे आपके पास मेटेरियल आता है ना ऐसे, तो इसके देखो साइड में जो है ना कलर होता है, कभी ग्रीन कलर देखोगे, कभी येलो देखोगे, कभी ब्लू देखोगे, कभी ब्लैक देखोगे। यहाँ पे देख पा रहे हो ये P20 है, ब्लैक में आ रही है। देखो यहाँ पे भी आपके पास देखो कभी ब्लैक देखते हो, कभी ग्रे दिख जाओगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ग्रे कभी ग्रे के साथ आपकी ग्रीन भी मिक्स होकर आ रही है। बेसिकली होता क्या है, ये मीडियम लेवल का है या हाई हार्ड लेवल का है। अगर हाई हार्ड लेवल का है उसका अलग होता है। ये जो मैं आपको यहाँ पे जो लिख रखा हूँ ये बार टाइप का है, बार मतलब ये प्लेट टाइप का है, प्लेट टाइप का बार टाइप के बारे में बता रहा हूँ। अगर सिलिंड्रिकल का होता है ना उसका कलर अलग हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस हम क्या करते हैं, जो अपना पिलर शेप वगैरह आता है तो उसको तो हम राउंड लेते हैं, ठीक है। बाकी जो प्लेट होता है हम रेक्टेंगुलर लेते हैं, आपको भी पता है। अगर मैं EN31 की बात करूँ बार साइज में, इसमें रेड कलर का आता है, ये जो आप देख पा रहे हो ना ये रेड कलर का आता है EN31 का, ठीक है। अब प्लेट साइज में बात कर रहा हूँ, प्लेट साइज में बात कर रहा हूँ EN31 की। अगर आप सिलिंड्रिकल में आओगे उसका अलग आ सकता है। EN8 जो होती है, EN8 जो होता है इसका क्या आता है, येलो कलर का आता है। आप देख लेना EN8 का जो आपका प्लेट टाइप का आता है वो आपका येलो कलर का आता है। PA20 में भी 3 ग्रेड है। ये जो मैं ग्रे कलर का आता है ना, सबसे टफेस्ट ग्रेड आता है। P20 का सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है ना वो ग्रे कलर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं H13। H13 जो होता है ना ये ब्राउन कलर का आता है, इसका जो होता है ब्राउन कलर में आता है। अगर आप किसी एजेस में ब्राउन कलर देख जाते हो तो समझ लाना ये H13 का है। उसके बाद आता है आपका D2। D2 में कौन सी कलर आता है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मिलेंगे। तो D2 मेटल होता है, आप देखना आपके पास अगर D2 मेटल आता है ना, जो क्वालिटी वाले मेटल आते हैं प्लेट टाइप का, वहां पे जाके आप देखना, वहां पे आपको ग्रीन टाइप का मिलेंगे। D3 जो होती है आपका ब्लू टाइप में मिलेंगे, जो आपका D3 मेटल आप ज्यादातर यूज करते हो, तो वहां पे आपको कौन सा टाइप का मिलेंगे, ब्लू टाइप का मिलेंगे। कभी कभी प्लेट के जगह में सिलिंड्रिकल आता है, ठीक है, होलो टाइप में, तो उस केस में थोड़ा सा आपको वेरिएशन देख सकते हो। लेकिन ये जो कोड है ये स्टैंडर्ड कोड है, यहाँ पे आपको सारे सब कलर कोड देख रहे हो, स्टैंडर्ड आपका कलर कोड है, ठीक है। तो आप कलर कोड से भी मेटल को पहचान सकते हो, इसमें आपको कोई एचआरसी का जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना होता है ना, आप एचआरसी वगैरह इसमें देख सकते हो। कभी भी आपके पास कोई मेटल अगर आप हार्डनिंग के लिए भेजते हो, हार्डनिंग के लिए भेजने के बाद यहाँ पे देखोगे कहीं कहीं पे स्क्रैच मरा हुआ है, स्क्रैच मार रखा है, मतलब कहीं पे उसने ग्राइंडिंग कर रखा है, या आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक है लेकिन यहाँ पे चमक रहा है। तो वहां पे क्या, जो मेटल का हार्डनेस इंप्रूव करते हैं ना करने के बाद, इसके एचआरसी कितना आ रहा है वो लोग टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद जो आती है आपका PMI टेस्टिंग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में क्या कंपोजिशन है, मेटल में क्या क्या चीजें है, उसको देखने के लिए हम PMI टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो PMI टेस्टिंग कैसे होता है, देखो PMI टेस्टिंग कैसे होता है, जो भी आप मेटल लेते हो, मेटल आप बनाते हो, किसी से परचेस करते हो, करने के बाद जो अपना कंपोजिशन चाहिए, इतना मुझे कार्बन इतना कंपोजिशन चाहिए, उसमें मुझे क्रोमियम इतना चाहिए, तो ओरिजिनल में क्या आ रहा है उसको हम देखते हैं PMI टेस्टिंग से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आइडेंटिफाइड कंटेंट लाइक परसेंटेज ऑफ आयरन, कितना परसेंटेज आयरन है, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, कॉपर कितना है। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम कैसे देखेंगे, ये गान से देखेंगे। बेसिकली इस गान को आप जो मेटल होता है, जिस आप मेटल की टेस्टिंग करना चाहते हो, इसका कंपोजिशन देखना चाहते हो, उसके ऊपर सर्टेन टाइम के लिए आपको रखना पड़ता है। उसके बाद जो है ये रीड करता है इसके अंदर कितना क्या चीजें है। तो यहाँ पे जो गान होता है, ये जो गान होता है PMI जो गान होता है, उस गान के ऊपर आपकी कितना परसेंटेज है, कितने परसेंट कॉपर है या आयरन है या क्रोमियम है, जितना भी कॉन्टेंट होंगे वो सारा कॉन्टेंट आपको डिस्प्ले में शो करेंगे। ये होता है PMI टेस्टिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद आता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ये तो आपको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो हम मोस्टली यूज करते हैं
स्क्रैच टेस्टिंग। स्क्रैच टेस्टिंग में होता है क्या है, यहाँ पे आप कोई भी मान लो मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे लोड रहेंगे, यहाँ पे इतना पाउंड का या ग्राम का लोड रहेंगे और उसके ऊपर जो है एक आपका निजल रहेंगे। वो निजल क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करता है, ये जो प्लेट होता है ना ये प्लेट रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे रैम रहेगा, यहाँ पे प्लेट जो है रेसिप्रोकेट करेगा। प्लेट रेसिप्रोकेट करने से ये जो निजल है यहाँ पे मेटेरियल के ऊपर स्क्रैच जनरेट करेंगे। जो स्क्रैच करेंगे ना, उस स्क्रैच कैसे होंगे, अगर कहीं मेटेरियल पे ज्यादा स्क्रैच आ रहा है तो मेटेरियल की जो एचआरसी है, मतलब मेटेरियल क्या है जो एचआरसी है ना वो कम है, इसीलिए तो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, ज्यादा स्क्रैच कर रहा है, राइट। अगर मेटेरियल की एचआरसी ज्यादा है तो कम स्क्रैच आएंगे, तो इससे भी पता लग जाता है कि मेटेरियल कितना ज्यादा कौन सा है, इसकी एचआरसी कैसा है, कम है या ज्यादा है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट हम पता करने के लिए तरीका एक और है, हम ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं या सरफेस ग्राइंडिंग से भी कर सकते हो या ग्राइंडिंग से भी कर सकते हो। अगर कोई मेटेरियल की, तो यहाँ पे देख रहे हो स्पायर स्पिंकल आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी स्पायर स्पिंकल आ रही है। अगर कोई मेटेरियल की स्पायर स्पिंकल ज्यादा आता है, अगर मान लो मेटेरियल की स्पायर स्पिंकल ज्यादा आता है, मतलब उसकी जो ग्रेन्स है, जो ग्रेन्स है, ग्रेन की बीच की जो बोन्ड है वो पतला है, मतलब उसका जो एचआरसी है ना वो कम है, तो बोन्ड के बीच में जो लिंक है वो अगर स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसकी एचआरसी कम है, तो एचआरसी कम होगा तो ज्यादा जल्दी से मशीनिंग होगा, ज्यादा जल्दी से मशीनिंग होगा तो ज्यादा ग्रेन निकलेंगे। अगर मैं एमएस की बात करूँ, आप जाके देख लेना टूल रूम में, आप ये टूल रूम में जाके देख लेना, अगर आप एमएस है, एमएस की अगर आप सरफेस ग्राइंडिंग कर रहे हो या ग्राइंड कर रहे हो, तो इसकी जो फायर स्पिंकल है ये ज्यादा निकलेगा। सिमिलर अगर आप HCRCR का कर रहे हो या D2 का कर रहे हो या NIMS का कर रहे हो, तो देखना इसके फायर स्पिंकल कम निकलता है, क्यों, क्योंकि वो हाई एचआरसी का मेटेरियल है। इस तरीके से भी आप उसकी पता कर सकते हो। उसके बाद आते हम मेजरमेंट करके, तो यहाँ पे ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट दे रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं करते, अगर आपके पास कोई रॉड आता है, लाइक आपने मेटेरियल रॉड आ गई, अब इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करना, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का है मान लो 75 mm, एज्यूम कर लो 75 mm, अगर ये एमएस का है ना तो ये एक्यूरेट 75.1 या 74.95 ऐसे आपको मिलेंगे, कभी कम भी मिलेंगे कभी ज्यादा भी मिलेंगे। एज इट इज आप C45 में देखना, ऑलमोस्ट आपकी सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है आपका। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ निमेस की या D2 का या HCHCR का बात करता हूँ या स्टारबेक्स का बात करता हूँ ना, तो ये क्या रहेगा, 75 से हमेशा प्लस में रहेगा, 75.6, 75.4, 75.7 आपको ऐसे प्लस में मिलेंगे। ये अगर करके देख लेना, आप देख लेना जो हार्ड मेटेरियल है ना, जिसका आप ऐसे मेटेरियल का नाम मत देखना, सीधा आप मेजरमेंट कर लेना, आप देखना जो हार्ड मेटेरियल है ना उसका जो ये पूरा कभी एक्यूरेट नहीं होता, हमेशा प्लस में रहेगा, 0.5, 0.6, 0.7 ज्यादा ही रहेगा आपका। और जो लो एचआरसी मेटेरियल होता है जैसे एमएस होगा, C45 होगा, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट मिलेंगे। तो ये इससे भी आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि हाँ ठीक है, स्ट्रेस आपकी कितना होना चाहिए, आपको पता लग गया कि हाँ मेरा लो एचआरसी है तो मतलब मुझे एक्यूरेट मिलेंगे ऑलमोस्ट, मान लो 75 है तो 74.95 मिलेंगे या 75.1 मिलेंगे, लेकिन अगर हाई एचआरसी है तो 75.6, 75.9, 75.8 आपको ज्यादा मिलेंगे वैल्यूज। ये पता कर लेना, ये प्रैक्टिकल एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप देख लेना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सबसे जो लास्ट मेरा स्लाइड है, मशीनिंग टेस्ट। अब कोई भी एक मेटल लाते हो, उसको आप लेट में चलाते हो, ड्रिलिंग करते हो, मिलिंग करते हो, तो इसमें क्या होता है, शिप्स निकलता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये शिप्स निकलता है। अगर मेटल की हार्डनेस ज्यादा है ना तो उसका शिप्स कम कम निकलेगा, पतला शिप निकलेगा। अगर मेटल का हार्डनेस कम है तो ये कॉन्टिन्यूस शिप निकलेंगे, ऐसे देखो ये बहुत सारे एक साथ बहुत सारा शिप निकल रहा है ना, या इधर ये एमएस का है, तो जो पतला मेटल होता है ना, जो कम एचआरसी वाले मेटल होते हैं ना, इसमें शिप ज्यादा निकलते हैं, या जब ड्रिल करते हैं ना तो देखना ड्रिल में जो कम कम शिप्स निकल के आता है ना, पतला पतला छोटा छोटा शिप्स निकल के आता है ना, वो हाई एचआरसी का है। अगर वो ज्यादा होता है ना, अगर मतलब हाई एचआरसी का मेटल है ना तो उसमें कम निकलेगा, अगर लो एचआरसी का मेटल है तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा शिप्स निकलेंगे, ठीक है। आजकल वैसे बहुत सारा तरीका है शिप्स को कंट्रोल करने के लिए, आप मिलिंग जब आप कोई रफिंग करते हो ना तो उसमें भी देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यार कौन से ये हाई में है या लो में है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, जिसको भी देखना है जाके प्ले लिस्ट में एक बार देख ले, मेरा मशीनिंग चलते हुआ, मतलब निमेश का मेरा मशीनिंग चल रहा है तो उसका कितना आ रही है, उसका अगर मैं एमएस का मशीनिंग कर रहा है तो उसमें कैसे चल रहा है, उसका ऑलरेडी वीडियो आप जाके वहाँ पे देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपकी हीटिंग मेथड। बेसिकली ये जो मेथड होते हैं ना, ये मतलब देखने के लिए होता है, ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप अगर खुद को देखना है तो देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको मेथड बताया वो बेसिकली ओरिजिनल मेथड है, ये तो आपका लोकल मार्केट है, उसके हिसाब से लोग देखते हैं, किसी को समझाने के लिए समझा देते हैं,
बट जो मेथड होता है जो हम यूज करते हैं यही सारा मेथड जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, यही सारे मेथड हम यूज करते हैं, बट ये जो मेथड है आपको देखने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा चार मेटल है, एक MS है, एक SS है, एक D2 है, एक P20 है। MS का हार्डनेस कम है, SS का ज्यादा है, D2 का ज्यादा है, P20 का बीच में है। अगर मैं D2 से MS को हीट करूंगा तो MS ज्यादा डैमेज होगा। अगर मैं इस एज को हीट करूंगा तो मेरा क्या कौन जो पतला है वो डैमेज होगा ना, जो हल्का है वही तो डैमेज होगा। MS क्या है, हल्का है तो MS में डैमेज ज्यादा आएंगे। अगर सेम फोर्स से मारोगे ना, सेम फोर्स से या सेम न्यूटन से आप इसको हीट करोगे ना, तो क्या होगा, आपका MS ज्यादा डैमेज होगा, D2 ज्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर आप D2 से, अगर आप P20 से MS हीट करोगे तो MS ही हीट होगा, MS ही डैमेज होगा, P20 कम डैमेज होगा, P20 में लेकिन डैमेज होगा कम होगा। अगर P20 को आप D2 से हीट करोगे तो डैमेज कौन सा होगा, P20, क्योंकि D2 का हार्डनेस ज्यादा है, इसका HRC ज्यादा है। तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारा तरीका था, इसमें आपको कोई भी मेटेरियल है, कोई भी आपका जो भी मेटेरियल है, आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेरा जो मेटेरियल क्या है, इसके HRC क्या है। सबसे पहले पता होना से आपको HRC, तो आपको यहाँ पे HRC शीट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद क्या के टेस्ट होता है, इसके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, सारा मैंने टेस्ट यहाँ पे दे दिया जो बेसिकली मेनली टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेस्ट में आप जाके देख सकते हो कौन से टेस्ट करा। बाकी जो सारे टेस्ट है इसमें आपको उस तरीके से भी पता कर सकते हो। अगर आपके पास पता नहीं है हार्डनेस वाला मेटेरियल है कि पतला वाला है, तो ये थोड़ा बेसिक लेवल के लिए ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर देखना है तो सारा चीज आपको पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि आपको सारा चीजें समझा दूं, तो बहुत कुछ चीजें था इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कुछ कुछ चीजें होती है जो मैं टूल रूम में जाके नहीं दिखा सकता हूँ, डिजाइन वाले बंदे जो है टूल रूम में जाके थोड़ा सा अजीब देखता है, हाँ ठीक है वीडियो बना रहा है। तो कोशिश करा मैंने आपको फोटो वगैरह से सारा चीजें समझा दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर कुछ चीजें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को अगर एडवांस लेवल की सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग चाहिए, डाई डिजाइन, मोल्ड डिजाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग, ये सारा चीजें सीखना है, नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।